दमण दीव दात्रोनगर हवेली भाजपा प्रदेश प्रमुख दीपेश टंडेले पेट्रोल डीजल ना भाव वधारा मुद्दे देश की जनता ने विपक्ष भ्रमित करी रहे होवानो आक्षेप कर्यो छे। दमण भाजप कार्यालय खाते पत्रकार परिषद में दीपेश टंडेल तथा प्रवक्ता मजीद दढ़ाणीए जणाव्युं हतुं के 2014 में पहला कांग्रेस की सरकार ऑइल बॉन्ड खरीदी कर्या हता जेना अबजो रूपया थई गया जेना कारणे भाव वधारो सरकारे करवो पड्यो। जो कि सरकारे पेट्रोल डीजल 12-15 नो घटाड़ो करी प्रजा ने दिवाड़ी नी भेट आपी तेम जणाव्युं हतुं। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुख्य तो इस विषय पर है कि पिछले कई महीनों से विपक्ष लगातार इस देश में इस जनता के जनमानस के ऊपर भ्रमित करने का एवं हिंसक वैचारिक हमला करने का कार्य कर रही है और इसी बात का खंडन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर एक प्रदेश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आयोजन किया हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के भाव केंद्र सरकार ने दिवाली के पहले ही कम किए हैं और भाजपा शासित जितने भी प्रदेश है वो प्रदेशों में भी इसके ऊपर जो कर लगते हैं टैक्स लगते हैं उसमें कमी की गई है और सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के ऊपर 12 और 15 रुपए की कमी की गई है और जनता को एक अच्छा खुशहाल माहौल दिवाली में मिले ऐसी भेंट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने दी है। किंतु विपक्ष जिनकी सरकार अन्य प्रदेशों में है वो कोई भी प्रदेशों में पेट्रोल या डीजल के भाव कमी नहीं हुए और ऊपर से लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। किंतु जो पेट्रोल के भाव बढ़े हैं ये सबके जिम्मेदार भी विपक्षी है। साधारणतः बैरल के भाव 40 और 50 यूएस डॉलर रहते हैं। ये 40 और 50 यूएस डॉलर के बजाय वैश्विक तौर पे आज क्रूड ऑयल का रेट 84 रुपीज़ है यानी 70% हाई क्रूड ऑयल का रेट है। बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनहित को सर्वोपरि मानते हुए जहाँ एक बाजू क्रूड ऑयल वैश्विक तौर पे बढ़ रहा है बावजूद उन्होंने 12 रुपए की कमी जनहित पे और एक अच्छा सा संदेश पूरे देश में दिया है। किंतु विपक्ष इस बात को पचा नहीं रहा नहीं अपने शासित राज्यों में वो कर कम कर रहा है और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। साथ साथ ये जो पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़े हैं इसका भी जिम्मेदार विपक्ष ही है। 2014 के पहले जब उनकी सरकारें थी तब उनकी सरकार ने ऑयल बॉन्ड खरीदे थे